हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपने पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, काफी कुछ पढ़ दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी। अब इंटरनेट सिक्योरिटी से मुराद क्या मतलब होता? इंटरनेट सिक्योरिटी में हम वायरस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम? वायरस। तो वायरस के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा आ सकता, मगर जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा आपको वही पढ़ना है। यानी कि हम पढ़ने जा रहे वायरस। क्या पढ़ने जा रहे? वायरस। अब वायरस के बारे में आपको पहले सुनते जाओ, आखिर ये इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता? तो इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब होता अपने डेटा की प्रोटेक्शन करना। अपने डेटा की प्रोटेक्शन करना कहां से? कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट, कोई खतरनाक प्रोग्राम, उससे बचने के लिए। इस बात को बोला जाता इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है यहां तक? प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में हमारे एस्पायर अड्डा के नोट्स का सेट आ गया है तो चेक भी कर लीजिए जरा। हमने 4 स्पाइरल भेजे हैं आपके लिए, 4 स्पाइरल, और उसमें 650 पेजेस हैं, वो भी जरा गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं है, अगर 4 स्पाइरल हैं तो वो पूरे होंगे। उनमें आप निकालिए जहां पे लिखा है इंटरनेट सिक्योरिटी, यानी कि आपको पेज भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 62 पे आ जाइए, पेज नंबर 62 ओपन कीजिए जल्दी जल्दी, पेज नंबर 62, और वहां पे हाईलाइट किए जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही करनी है। अगर आपको अभी नोट्स नहीं मिले हैं, रजिस्टर कर दिया है आपने, तो हेड ऑफिस में कॉल कीजिए, अपना पोस्टल नंबर ले लो और खुद ट्रैक भी कर सकते हो आप। अगर आपने नोट्स मिले भी नहीं अभी और रजिस्टर भी नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल कीजिए और नोट्स अपने घर के अंदर ले लीजिए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ये फायरवॉल क्या होता है? क्या पढ़ेंगे हम? फायरवॉल। तो फायरवॉल के बारे में प्यारे बच्चों, जो बातें अंग्रेजी में यहां लिखी हैं ये उनको मैं आपको एक ही बार बता देता हूं। मान लो ये हमारे घर का कंप्यूटर है, ये जो ये है आपके सामने, ये अंकल, ये इधर इंटरनेट है, ये वाला हो गया इंटरनेट। इंटरनेट से क्या क्या ट्रैफिक हमारे कंप्यूटर में आनी चाहिए और क्या क्या यहां से जानी चाहिए, ये डिसाइड करेगी ये वाली वॉल, इसको बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है? तो फायरवॉल के बारे में एक बार यहां से भी पढ़ते। फायरवॉल एक बैरियर होता है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। जो बंदा ऑथराइज्ड नहीं है उसको रोकने के लिए फायरवॉल होती है। और फायरवॉल क्या करती है? ये परमिशन लेती है, ऑथेंटिकेशन परमिशन, के कौन कौन सी वेबसाइटें ओपन होनी चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइटें नहीं। यानी कि मैं आपको एक सिंपल वे में बताता, हमने अपनी फायरवॉल में लगाया है कि कोई भी बच्चा फेसबुक ओपन ना करे। तो अब अपने एस्पायर अड्डा के जब आप हेड ऑफिस में आएंगे तो आप यहां से ओपन करेंगे हमारे इंटरनेट कनेक्शन से www.facebook.com, तो आपके कंप्यूटर पे फेसबुक नहीं खुलेगी। आप क्यों नहीं खुलेगी? प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क आपको दे रहा है एस्पायर अड्डा यहां पर लाइब्रेरी में, 150 MB/s, 150 MB/s स्पीड दे रहा है एस्पायर अड्डा, तो फेसबुक के लिए नहीं दे रहा, पढ़ने के लिए दे रहा है, इसीलिए हमने ये लगाया है। अब फायरवॉल होता क्या है? ये सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर? तो प्यारे बच्चों, फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है और फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है। तो ये दोनों होता, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। अब ये सॉफ्टवेयर कब होता है और हार्डवेयर कब होता है? अगर हमारा नेटवर्क छोटा है तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होगा। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, अमेज़न का, कोई गूगल का, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होगा वो एज ए हार्डवेयर डिवाइस होगी। ठीक है? चलिए, अब आपको पता चल गया इंटरनेट क्या होता, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है और फायरवॉल क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, हम आपको बताते, ये आपने नाम सुना होगा, एक क्रिप्टोग्राफी और दूसरा इनक्रिप्शन। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और इनक्रिप्शन क्या होता है, मेरी बातें सुनते जाइए। जो लिखा है ना यहां पे वही सब बोल रहा मैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता, देखो, ये आपने किसी को मैसेज लिखा, हाय शोना, ठीक है, शोना, और लिखा मोना, और लिखा आपने हनी,
बेबी बाबू फलाना डिमका जो भी जो लिखना है बाबू लिख दिया है। तो अब आप चाहते हो कि ये वाला नाम कोई बंदा ना देखे, छुपा हुआ मैसेज जाए, तो आप क्या करोगे? आप करोगे क्रिप्टोग्राफी, यानी के क्रिप्टोग्राफी इज यूज फॉर हाइडिंग दी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। बस व्हाट डज क्रिप्टोग्राफी मींस? क्रिप्टोग्राफी मींस हाइडिंग। क्या हाइड करना? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता हाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन को हाइड करोगे तो हाइडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। अब अगर आपने लिखा यहां पे, आपने लिखा हाय शोना लिख दिया और जिस बंदे को रिसीव हुआ हाय के बदले में एट द रेट ऑफ आया, शोना के बदले में हैश 1 2 3, आप बीच में किसी बंदे को क्या पता कि ये क्या लिखा है? तो इस टेक्निक को बोलते इनकोडिंग ए मैसेज। क्या बोलते इसको? इनकोडिंग ए मैसेज। तो जब ये मैसेज को इनकोड किया जाता है इसको बोलते इनक्रिप्शन। क्या बोलते इसको? इनक्रिप्शन। इतनी बातें पता चल गई। तो प्यारे बच्चों अब आपको पता चला है कि इनक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है? मैंने आपको इनक्रिप्शन बताया, क्रिप्टोग्राफी बता दिया। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है हाइडिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, छुपा देना, और इनक्रिप्शन का मतलब होता है एनकोड कर देना ताकि कोई बंदा उसको रीड ना कर पाए। इतनी बातें पता चल गई आपको। चलें आगे, अब एक एक करके हम ये पढ़ते वायरस क्या होता है, ठीक है कि नहीं? समझ आ गया? चलो प्यारे बच्चों जहां भी समझ नहीं आती है तो एस्पायर अड्डा 24/7 आपके लिए खुला है। आपको पता है बहुत हैरानगी होगी, रात को 12 बजे भी पूरे स्टेट में बच्चे कॉल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारी एक टीम है जो रात को काम करती है और एक टीम है जो दिन को काम करती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मगर सिर्फ हमें आपकी कामयाबी चाहिए, बस। अब वायरस का मतलब क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, के बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो खतरे में है, ठीक है? आप वायरस के बारे में हल्की इंफॉर्मेशन, जिन चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा आप भी उन्हीं चीजों को हाईलाइट करो। अगर नोट्स मिल गए, अगर नहीं मिले तो ऐसे सुनो, 2-4 दिन में नोट्स आ जाएंगे तो आप लिखते जाओ। देखो, वायरस एक स्मॉल प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए? किसी भी दूसरे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसकी डेटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है? तो क्या होता है वायरस? वायरस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो बनाए जाते हैं, दैट आर डिजाइंड टू स्प्रेड वायरस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड डिस्ट्रॉय द डेटा फाइल। ये फाइल को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। एक बात ये। दूसरी बात, पहला वायरस का नाम क्या है? जो दुनिया का सबसे पहला वायरस था उसका नाम था क्रीपर वायरस। क्या नाम था? क्रीपर वायरस, ठीक है? और ये क्रीपर वायरस कौन से नेटवर्क में था? तो ये आरपा नेट में था। किसमें था? आरपा। अब आरपा नेट क्या होता है? जहां मैंने आपको इंटरनेट टॉपिक पढ़ाया वहां मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आरपा नेट क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ए आर पी ए, आरपा नेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, और आगे नेट भी है। तो नेट का मतलब हो गया नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपा नेट की फुल फॉर्म, ठीक है? जो क्रीपर था ना, क्रीपर ये था क्या? ये वायरस तो था ही, मगर वायरस में क्या था? ये वॉर्म था। अब वॉर्म क्या होता? जब मैंने इंटरनेट पढ़ाया तब मैंने आपको पढ़ाया था वॉर्म की फुल फॉर्म। वॉर्म का मतलब होता राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ये वॉर्म की फुल फॉर्म होती है। SSEMTS 2018 में पूछा हुआ था व्हाट डज 4th W स्टैंड फॉर, वर्ल्ड वाइड वेब में जो 4th W है वो वॉर्म होता है, और वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है? ये बॉब थॉमसन ने 1971 में क्रीपर वायरस फर्स्ट कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर वायरस जो है लिखा था। अब जब वायरस आ गया क्रीपर तो उसको डिलीट करने के लिए को एंटीवायरस भी होना चाहिए ना, तो उसको डिलीट करने के लिए रीपर
पहला सेल्फ रेप्लीकेटिंग क्रीपर को डिलीट करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या बोलते हैं उसको? रीपर बोलते हैं, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा जो खतरनाक वायरस रहा है पहले, उसका नाम था ब्रेन। क्या नाम था? ब्रेन। 1986 में ये लिखा था बासित फारूक अलवी एंड अमजद फारूक अलवी, पाकिस्तान के दो ब्रदर, इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये वायरस इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ द स्टोरेज मीडिया फॉर जिसमें एमएस डॉस होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय करता, ठीक है। अगर पेपर में आएगा पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस, तो उसका नाम था इल्क क्लोनर। क्या नाम था? इल्क क्लोनर। ये एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, इट अफेक्टेड एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू फ्लॉपी डिस्क डिस्प्लेड है शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के थ्रू उसको क्या करता था? डिस्ट्रॉय करता था। तो पहला डिस्ट्रक्टिव वायरस ये जो माइक दूम, ये भी रहा, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काम की बात है, दिस डोंट रिमेंबर दिस, नॉट नेसेसरी, ठीक है। यहां तक तो आपको याद रखना है वायरस की फुल फॉर्म, वायरस होते क्या है, दुनिया का पहला नेट वायरस, और पहला वायरस कौन से नेटवर्क में था, और वाम क्या होता है, वायरस क्रीपर को डिलीट करने के लिए क्या बनाया गया, और उसके बाद ब्रेन वायरस किसने बनाया, ये सब। अब हम एक एक करके आगे वाली चीजें पढ़ेंगे, ये इनकी टाइप्स होती हैं, पेपर में पूछा जाता है। अब आगे वाली बातें बहुत जरूरी हैं, देख सुनते जाओ। पहले मालवेयर क्या होता है ये पढ़ेंगे, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, और अभी मैंने आपको बताया वाम क्या होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो मालवेयर का फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या फुल फॉर्म होती है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मैं एक बार यहां से पढ़ के भी सुनाऊंगा, मालवेयर इज अ ग्रुप ऑफ वायरस वाम एंड ट्रोजन हॉर्स। अब मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, अभी सिर्फ सुनो, दैट टूगेदर रेफर्ड एज मालवेयर। दिस इज अ वायरस प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू गेन एक्सेस और डैमेज कंप्यूटर विदाउट यूजर कंसेंट। अब मैंने एक बार पढ़ा है ना, अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो ये आपके घर का कंप्यूटर है, ठीक है, आपको कोई भी पता नहीं है आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर है। अब उन सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर आ गया जो आपको पता ही नहीं है, आपकी मर्जी के बिना आपके कंप्यूटर के अंदर आ गया है, और ये क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे को दे रहा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मालवेयर। क्या बोलते हैं? मालवेयर। और मालवेयर का मकसद होता है आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना आपके कंप्यूटर को, बस। तो इसमें से दो पॉइंट बनते हैं, मालवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर क्या करता है, ये एक्सेस गेन करता है, डैमेज करता हमारे कंप्यूटर को, और हमें पता भी नहीं होता, बस मालवेयर में इतना। अब उसके बाद एक होता ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम आपको बताते, जरा सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं ये ट्रोजन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा, आज इसका जो डाउट आपको हम खत्म ही कर देते हैं एक ही बार। ट्रोजन क्या होता है देखिए, ट्रोजन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है ये वाला सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी, तो आगे मैं अब आपको बताता हूं कि ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। देखिए एक हम पढ़ेंगे ट्रोजन, और हम पढ़ेंगे वाम, और हम पढ़ेंगे स्पाईवेयर, फिर हम पढ़ेंगे पिशिंग क्या होता है, और पिशिंग के बाद हम पढ़ेंगे ये एडवेयर क्या होता है, तो देखते जाओ। अब आप पहले सुनिए, एक होता ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें लगता है कि ये जेन्युइन एप्लीकेशन है, यानी कि हमारे लिए जरूरी है, हमें ऐसा लगता, बट ये ऐसा होता नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। ये हमें लगता है कि जेन्युइन है, बट हमारे लिए ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का, सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी इससे हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो चल गया आपको इतना, आप पेपर में आएगा बताओ वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या वो कौन सा प्रोग्राम है जो यूजर को लगता है, यूजर थिंक्स दैट ये डाउनलोड कर रहा है कोई सेफ प्रोग्राम, बट वो सेफ होता नहीं है, वो खतरा होता है, ऐसे प्रोग्राम को बोलते ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अब ट्रोजन हॉर्स के बाद अब सीधा आ जाओ स्पाईवेयर पे, फिर हम वाम पढ़ेंगे। नाम से ही पता चलता है स्पाईवेयर,
स्पाईवेयर के बारे में सुनिए, यह कोई इंसान या कोई यूजर खुद नहीं इंस्टॉल करता, यह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। स्पाईवेयर इज प्रोग्राम दैट मॉनिटर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते वक्त यह खुद आ जाता हमारे अंदर कंप्यूटर पे, और यह रिमोट कंट्रोल के जरिए हमारे कंप्यूटर के अंदर वाली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे को देता है। यानी कि हम क्या क्या ओपन करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में है, तो वो वाला सॉफ्टवेयर जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे कंप्यूटर में है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं स्पाईवेयर। और वो वाला प्रोग्राम जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं और हमें लगता है ये जेन्युइन है बट वो जेन्युइन होता नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते ट्रोजन हॉर्स। और वाम का तो मैंने बताया, राइट वंस रीड मेनी, ये रेप्लीकेट करता है, ढेर सारी कॉपी बनाता है अपनी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लीकेटिंग प्रोग्राम। और वाम का मतलब होता राइट वंस रीड मेनी, अब राइट वंस रीड मेनी का मतलब होता एक बार लिखते और वही अपनी कॉपी, ये ढेर सारी कॉपियां बनाता और फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। अब उसके बाद एक अटैक आता है, इसको बोलते हैं पिशिंग अटैक। तो एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूं, पिशिंग इन्वॉल्व्स दी वेबसाइट्स एंड ईमेल फॉर एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह ये सब। अब ये क्या होता है सुनिए, आपको ईमेल में एक लिंक आ गया और आपको आया कि इस लिंक को ओपन करो, आपने लिंक ओपन किया, फिर वहां आता आईडी डालो, आईडी के बाद अपना पासवर्ड डालो, आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, अब वो यूजर आईडी और आपका पासवर्ड ईमेल के जरिए उस बंदे को जाएगा जिसने आपको लिंक शेयर किया था। तो प्यारे बच्चों, ईमेल पे आने वाले लिंक को ओपन मत किया कीजिए, वो आपके लिए पिशिंग अटैक भी हो सकता है, ठीक है, हो गया पिशिंग अटैक। अब एक होता है एडवेयर, अब ये एडवेयर क्या होता है, तो एडवेयर को जनरली वायरस नहीं बोलते हैं, जब हम इंटरनेट ओपन करते हैं तो बार बार एड आ जाती है, शूज की एड, बुक की एड, कोई टीवी फ्रिज इनकी एड, तो ये एडवेयर होता है, ये वायरस नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं करता बट हमें एनोय करता है, बार बार एड आती रहती है। उसके अलावा एक होता है बूट सेक्टर वायरस। अब मैंने आपको पढ़ाया था बूटिंग का क्या मतलब होता है, बूट का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो ये जो बूट सेक्टर वायरस है ये कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क में आ जाता है और कंप्यूटर को बूट ही नहीं होने देता। जब बूट सेक्टर वायरस आ जाता है ना, तो हम अगर कंप्यूटर को ऑन करें तो वहां आता है फिर बायोस इज मिसिंग, बायोस मिसिंग हो जाता है, तो फिर हमें कंप्यूटर को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता बायोस भी और सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैक्रोज के बारे में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि मैक्रोज एमएस ऑफिस में होता है, बस मैक्रो वायरस इफेक्ट एमएस ऑफिस लाइक वर्ड में, एक्सेल में, उनमें आता है, ये बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं आता। और एक होता रैंसमवेयर, रैंसमवेयर के बारे में देखो, रैंसमवेयर इज एडवांस टाइप ऑफ मालवेयर प्रोग्राम दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ कंप्यूटर, इनक्रिप्ट ऑल दी फाइल्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा ये क्या होता है, रैंसमवेयर के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है, ये हमारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है और हम अपने अपनी खुद की फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते हैं, अनलॉक नहीं कर सकते हम अपनी फाइल्स को, बस। अब एक चीज होती है स्पूफिंग, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रख दो, आपको जब मैंने मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि आईपी एड्रेस तो बोन्स हो जाता है बट मैक एड्रेस जो है ये परमानेंट रहता है, इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, बट कभी कभार हम स्पूफिंग टेक्निक लगाते हैं, उससे मैक को और आईपी एड्रेस को हम छुपा सकते हैं, तो ये कोई वायरस नहीं है बट इंटरनेट सिक्योरिटी को थ्रेट है ये, इसलिए यहां पे ये आप पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज रैंसमवेयर, बताइए कौन सा ऐसा वायरस है जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल को लगता है, बताइए कौन सा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क को डिस्ट्रॉय करता है और कंप्यूटर को ऑन नहीं होने देता, बताइए कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हमें पता ही नहीं और हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर रहा, बताइए कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हमें लगता है कि हमारे लिए जरूरी है बट जरूरी नहीं होता, हमारी इंफॉर्मेशन किसी बंदे को देता है, ऐसी चीजें आ सकती। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये याद करना जरूरी नहीं है, ऐसे पढ़ लो, ये एक फॉर्म होता है जो कलेक्ट करता है सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और क्या करता है यूजिंग अनदर इंडिविजुअल आर पर्सन नेम, यानी कि कोई दूसरे बंदे का नाम वगैरह यूज करके हमारे कंप्यूटर से सारी फाइल्स लेके दूसरे बंदे को सेंड करता है, ये पढ़ना जरूरी नहीं है। अब आखिरी ज़ॉम्बी क्या होता है, तो ज़ॉम्बी जो है ये लेटेस्ट वायरस है, ज़ॉम्बी प्रोग्राम दैट रिमोटली कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर, ये क्या करता है, एक जगह बैठा हुआ बंदा दूसरी जगह बैठे हुए बंदे के कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, एंड इंटरनेट कनेक्शन फॉर अटैकिंग टू अदर कंप्यूटर,
विदाउट यूजर कंसर्न, यानी कि आपके घर का कंप्यूटर कोई दूसरा बंदा दूर बैठा हुआ ऑपरेट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी वायरस। ठीक है, ये वायरलेस से होता है, इंटरनेट यूज करते ही। अब उसके बाद प्यारे बच्चों ये लिखा है वायरस प्रोग्राम की एग्जांपल, इनमें से आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं आपको क्या याद रखना है। ये याद रख दो की लॉगर क्या होता है, की लॉगर ये एक स्पाईवेयर होता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, आप चले गए किसी दुकान पे फॉर्म भरने के लिए और फॉर्म भरा, आपने उसको बोला सर ये अमाउंट लो, तो अब वो बंदा क्या करेगा, अपनी वेबसाइट ओपन करेगा और आपको बोलेगा लो अपना आईडी और पासवर्ड लगाओ, तो अब वो अपना चेहरा उधर मोड़ देगा, आपने पासवर्ड लगाया तो उसके कीबोर्ड में एक लगा होता प्रोग्राम जिसको बोलते हैं की लॉगर। ये की लॉगर क्या करता है, आपके पासवर्ड को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जब आप चले गए तो उसने अपना की लॉगर ओपन किया, आपने कौन कौन सी की दबाई थी, मान लो आपने दबाया 198 एट द रेट ऑफ 73, तो आपका ये वाला डेटा रिकॉर्ड हो गया उसके कंप्यूटर पे, अब आपका पासवर्ड उसको पता चल गया, अब वो आपका अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, इसको बोलते हैं की लॉगर। तो की लॉगर क्या है, स्पाईवेयर है, आपको तो पता ही था ना। ठीक है, अब और आपको क्या पढ़ना है, हाँ पिशिंग भी मैं आपको यहां बता देता हूं। पिशिंग देखो, पिशिंग में क्या होता है, क्लोन बनाया जाता है, पिशिंग फार्मिंग स्कैम किया जाता है, पेपल स्कैमर। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आपको मेल पे लिंक आ गया कि भाई ये मेरा फेसबुक है, इसको ओपन करो और यहां पे इसको शेयर करो। जब आप ये लिंक ओपन करेंगे ना तो आपको वहां आएगा कि अपना आईडी और पासवर्ड डालो, आपको लगेगा ये फेसबुक है, बट जब आप ओपन करेंगे वो फेसबुक नहीं, वो कुछ और होगा। तो कभी भी किसी का दिया हुआ लिंक ओपन नहीं करना। अब उसके बाद एडवेयर क्या होता है, तो एडवेयर एक क्या होता है, मालवेयर ही होता है, जो क्या करता है, एड देता है हमारे कंप्यूटर में, अलग अलग किस्म की एड आती है, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्पाईवेयर और पिशिंग। अब प्यारे बच्चों ये देखिए एमसीक्यूज हैं, ये वही एमसीक्यू हैं जो हम शाम को 6 बजे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टेस्ट लेते हैं। अब उसमें से कभी कभार बुक में कोई एरर भी होता है, तो उस एरर की वजह से, जैसे देखो लिखा हुआ है वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये तो आपको आ गया। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर एंड कॉज डैमेज टू फाइल एंड सिस्टम, वो क्या होता है, वाम होता। अब हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद ये वाले एमसीक्यूज पढ़ाएंगे, और सिर्फ ये वाले एमसीक्यू ही नहीं, आईबीपीएस के पेपरों में जो एमसीक्यू आए वो भी, एसएससी के पेपरों में जो एमसीक्यू आए वो भी, और उसके बाद आज तक जेके एसएसबी में जितने भी एमसीक्यू आए हैं, जो पेपर्स हुए हैं, वो सारे पेपर हमारे पास हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे, एसएससी को भी, आईबीपीएस को भी, आपकी सारी टेंशन एक खत्म करते हैं हम। तो ये आप हेड ऑफिस पे कॉल करके ये बुक भी ले सकते हो आप, अभी कीजिए जल्दी, तो मिलते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।